दोस्तों, मेरा नाम जयश्री जैन है। हमारी ज़िंदगी में कई छोटी बड़ी घटनाएं घटती रहती हैं और ये घटनाएं कहानी का रूप तब लेती हैं जब ये घट चुकी होती हैं। तो दोस्तों, हर बार मैं आपको एक नई कहानी सुनाऊंगी। हो सकता है इनमें से कुछ कहानियां आपकी ज़िंदगी की कुछ घटनाओं में से एक हो, शायद आप अपनी लाइफ के साथ इसे कनेक्ट कर सके। आज की कहानी है मैं तेरे प्यार में पागल। पौ फटे करीब आधा घंटा हो चुका था। सुबह की लाली धीरे धीरे जवां हो रही थी। उधर पप्पन मियाँ अपनी दुकान की सफाई करके बस खड़े ही हुए थे, उधर उनकी निगाह अपनी दुकान के बोर्ड पे गई जिधर लिखा हुआ था शकील साइकिल वाला। नाम सुन के बड़ी तसल्ली मिलती थी उनको, क्योंकि अब ये नाम या तो मार्कशीट्स पे था या फिर पुरानी किताबों में लिखा था, क्योंकि उनके सारे जानने वाले दोस्त उन्हें पप्पन मियाँ ही बुलाते थे। जब पैदा हुए थे तो सबसे पहले खाला ने गोद में लिया था और उन्हें देखते ही खाला ने बोला कि ये तो अपने असगर भाई के बेटे के जैसा ही दिखता है। तब से उनका नाम पप्पन पड़ गया। सब लोग उन्हें पप्पन के नाम से ही जानते थे। शकील तो सिर्फ अब्बू ही बुलाते थे उन्हें। 2 साल पहले अब्बू का भी इंतकाल हो गया। एक बैंक में बाबू थे। जितनी भी तनख्वाह आती थी सारी तनख्वाह उनकी दवाइयों में निकल जाती थी। उनकी बीमारी ने इतना पैसा खा लिया कि घर कर्जे में डूब गया। मरने के वक्त कफन भी उधारी के पैसों से ही लिया। कॉलेज जाने के सपने पप्पन मियाँ ने भी देखे थे, लेकिन पेट के आगे पढ़ाई हार मान गई। कुछ पैसे जुटाकर छोटी सी एक साइकिल की दुकान खोली और धीरे धीरे करके सारे कर्जे चुका दिए। झाड़ू उठा के साइड में रख के बस हाथ धो ही रहे थे कि इतने में मोबाइल की घंटी बज गई। उधर से अम्मी की आवाज़ आई, अरे पप्पन बेटा, तेरे लिए चाय भेज रही हूँ। वो कौन से बिस्कुट हैं जो तुझे चाय के साथ पसंद है, नाम तो बता ज़रा। और हाँ सुनो, वो मुआ इल्यास आए तो उसे दुकान से भगा देना। काम धाम कुछ है नहीं, कॉलेज तो जाता नहीं है और तुम्हें आके भी परेशान करता रहता है मुआ। और माँ की बातें तो नॉन स्टॉप चलती ही जाती। पप्पन मियाँ ने खुद ही साइकिल की घंटी बजा दी और बोल दिया, माँ ग्राहक आया है, बाद में बात करता हूँ मैं तुमसे। और पीछे मुड़कर देखा तो सचमुच इल्यास खड़ा था। इल्यास ने बोला, मियाँ क्या मिजाज है, 2 टिकट लाया हूँ, सलमान भाई की एकदम रापचिक मूवी लगी है, चलोगे? 12 बजे का शो है, 11 बजे आ जाऊँगा। छुट्टन ने बड़े उदास होके बोला, अरे नहीं यार, मुझे बहुत काम है। और उसने बड़े ही थके हुए मन से और गुस्से में बोला, तू जिंदगी भर काम करता ही रह जाएगा, अरे खालिदा भी आ रही है, तू आ जा यार, मैं तो इंतज़ार करूँगा, आना हो तो आ जाइयो। शहर में पप्पन मियाँ का नाम कुछ इस तरह फैला हुआ था कि लोग उनके ऊपर शक ही नहीं करते थे, या कहो बदनाम था। उनके दोस्त उनका नाजायज फ़ायदा उठाया करते थे। उन्हें अपनी महबूबा से मिलने जाना होता था तो पप्पन मियाँ को साथ लिए जाते थे, जिससे कि उनके ऊपर मोहल्ले वाले शक ना कर सके, ये सोचे कि लड़का किसी काम से जा रहा है। इल्यास और छुट्टन एक ही साथ बड़े हुए थे, लेकिन बाप बाप का फ़र्क होता है। इल्यास के अब्बू ने कॉमिक पार्टी में अपनी जूतियाँ घिसी थी और तब जाके उनको कॉरपोरेटर का टिकट मिला। टिकट क्या मिला? तिजोरी की चाबी मिल गई। सब कहते कि इल्यास का बाप चोर है, इसके साथ मत रहा कर, लेकिन पप्पन कहता, जैसा भी है मेरा दोस्त है। बहरहाल सवाल है पिक्चर जाने का। पप्पन मियाँ सोच रहे थे कि इल्यास तो बैठेगा खालिदा के बाजू में और मैं यूं ही खाली बैठा रहूँगा, काश हमारे बाजू में भी कोई बैठा होता। अपने काम में पसीना पोंछते हुए जब उन्होंने अपनी नज़र उठाई तो सामने से देखा कि पीले से लिबास में कोई साइकिल को धकेलते हुए पसीने पसीने होते हुए एक लड़की उनकी दुकान की ओर चली आ रही है।
अप्रैल की धूप में माथे पे पसीना मानो संगे मरमर पे पानी की बूंदें लुढ़की जा रही हों। पप्पन मियाँ को अपनी निगाहों पे विश्वास ही नहीं हुआ। अपने आप को एक दो थप्पड़ मार के आँख खोल के वापस से देखा कि ये सपना है या हकीकत है, और अगर ये सपना है तो टूटे ना। पप्पन मियाँ धीरे धीरे संगे मरमर सी दिखने वाली के प्यार में गिरफ्तार हो रहे थे। इतने गमों को समेटे हुए पप्पन मियाँ खुशी क्या होती है मानो भूल चुके थे, लेकिन जब संगे मरमर से भी ज़्यादा सुंदर दिखने वाली इस सुंदरता को देखा तो वो खुशियों से पागल हो उठे थे। और पप्पन मियाँ की निगाहें तो बस मानो उसके चेहरे से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। उनकी बेहूदगी पे हैरान होके उस लड़की ने ज़रा कड़क आवाज़ में कहा, ये साइकिल का टायर ज़रा पंचर हो गया है। पप्पन मियाँ को उस कड़क आवाज़ में भी शहद सी मिठास महसूस हो रही थी और एकदम से चौंक के बोले, अभी ठीक किए देता हूँ, 2 मिनट का काम है ये मेरे लिए। और टायर की तरफ देखते ही बोले, आपकी साइकिल का टायर पूरी तरह से ख़राब हो चुका है, आप कहें तो मैं पूरा टायर ही बदल दूँ। तो उसने कहा, अच्छा ठीक है, जल्दी बदलो जो भी बदलना है मियाँ। पर उधर टायर क्या बदला, जैसे पप्पन मियाँ की तो पूरी ज़िंदगी ही बदल गई हो। घर परिवार की जिम्मेदारियों ने पप्पन मियाँ को अपनी उम्र से ज़्यादा बड़ा बना दिया था और दिल सिर्फ जीने के लिए धड़कता था, लेकिन आज उन्हें महसूस हुआ कि ये सिर्फ जीने के लिए नहीं, इस दिल में कुछ अरमान भी जाग रहे हैं। दिल तो बहुत पिघल रहा था, मन हुआ धीरे से नाम भी पूछ लें, लेकिन हिम्मत कहाँ से लाते। साइकिल ठीक करा के वो लड़की तो चली गई, लेकिन इधर पप्पन मियाँ का दिल पंचर हो गया। आज के दिन मानो उन्हें गर्मी की गर्म थपेड़े जैसी हवाएं कूलर की ठंडी हवाओं जैसी लगने लगी। शामें रंगीन और रातें हसीन लगने लगी। पूरा दिन पप्पन मियाँ बस उन्हीं ख्यालों में खोए रहे जिसको देखकर मन उमड़ रहा था, मगर मजबूरी इतनी थी कि अपने दिल का हाल किसको जाके बयां करे, क्योंकि पप्पन मियाँ की जो छवि थी वो तो कुछ अलग ही थी। पर आज पप्पन मियाँ को प्यार शायद समझ में आ रहा था। पप्पन मियाँ सोचने लगे, ये ऊपर वाले ने प्यार का चैप्टर भी बड़े इत्तेफाक से लिखा है। बस ये सोच ही रहे थे इतनी देर में इलियास मियाँ से वापस मुलाकात हो गई और साथ में खालिदा भी थी। लोगों की नज़रों से बचने के लिए लंबे रास्ते से होते हुए हाईवे पर निकल आए थे और हाईवे पे पहुंचते ही पप्पन पे नाराज़ होने लगे, अम्मा गजब करते हो यार, तुम्हें पता भी है कितनी मुश्किलों से हम निकल के आए हैं वहाँ से। इनके चचेरे पैर पे बैठे थे, वो तो पिछले रास्ते से किसी तरह बाहर निकल पाए, तुम कर क्या रहे थे। पप्पन के चेहरे पे बस हल्की सी मुस्कुराहट थी। जी तो कर रहा था कि सब कुछ मैं जल्दी जल्दी बता दूं और अपने दिल का हाल बयां कर दूं, पर फिर भी धीरे धीरे अपनी मोहब्बत के पन्ने खोले। इलियास मियाँ यही तो चाहते थे कि पप्पन की जिंदगी में भी बाहर मोहब्बत आ जाए, ताकि सिनेमा चारों साथ जा सके। कॉलेज छूटा ही होगा कि पप्पन मियाँ की निगाहें कॉलेज के मेन गेट पे लग गई और फिर से सुकून दिल का नज़ारा हो गया। मगर इलियास मियाँ का दिल छुट्टन की होने वाली महबूबा को देख के थोड़ा सा उदास हो गया। पप्पन मियाँ ने जैसे ही इलियास मियाँ की तरफ देखा और सोचने लगे, इतनी सुंदर लड़की को देख के कोई इस तरह उदास होता है? संगे मरमर से दिखने वाली खूबसूरत सारे शहर में तुमको यही लड़की मिली थी हैं? क्यों मियाँ, क्या परेशानी है इनमें? माशाल्लाह गजब की खूबसूरत है, कॉलेज जाती हैं तो पढ़ी लिखी भी होंगी। इलियास मियाँ जवाब के साथ एकदम तैयार बैठे थे। पप्पन मियाँ, कमी सूरत में नहीं है, ये सकीना है।
तुम इनके खानदान को नहीं जानते क्या? इनकी बहन रुबीना ने मेरे भाई को फंसाया था। दोनों ने भाग के शादी की थी। अबू 3 महीने दोनों को ढूंढते रहे थे, मगर अल्लाह जाने ना जाने कहाँ छुपा के रखा है उस कमबख्त ने मेरे भाई जान को। अपन मियाँ को सारी बात समझ में आने लगी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा, भाई तुम तो कहते थे कि तुम्हारा बड़ा भाई मर्चेंट नेवी में जॉब कर रहा है। फिर उधर इलियास मियाँ भड़क उठे, तो क्या कहता कि भाई को पड़ोसन भगा ले गई है मियाँ? देखो, मैं तुम्हें घर का आदमी समझता हूँ, इसीलिए तुम्हें बता रहा हूँ कि इस लड़की से जरा दूर ही रहना। उधर पप्पन मियाँ की अम्मी जान दुकान में खाना लेके आ गई। इलियास ने पूछा, चची जान मिजाज कैसे हैं? चिढ़ी हुई अम्मी उसकी बात सुनकर बोलने लगी, तेरे बाप ने देख जरा मोहल्ले की सड़कें कैसी बनाई हैं। मुझे आधा घंटा लगा है घर से यहाँ तक पहुँचने में। इलियास मियाँ थोड़ा गुस्से में बोले, चची बाप पे ना जाओ, अच्छा नहीं होगा। हाँ, माँ ने कहा, क्या कर लेगा बे तू? हैं, चोर को चोर नहीं कहूँ तो क्या कहूँ, पीर फकीर कहूँ? पप्पन मियाँ ने तीसरे वर्ल्ड वॉर को पहचान लिया था और बीच में बोले, अरे बस भी करो अम्मी। और इलियास से बोले, इलियास शाम को पुलिया पर मिलना, वहीं बात करते हैं। माँ ने पूछा, ये मुआ क्यों आया था यहाँ पे? माँ को जवाब देते हुए मैंने कहा, अरे माँ मेरा दोस्त है, ऐसे ही मिलने चला आया। उधर अम्मी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी, तू इससे बात ही क्यों करता है? कितनी बार तुझसे मना किया, इससे दूर रह, फिर भी समझ नहीं आता तुझको। अरे अम्मी, ले दे के एक ही दोस्त तो रह गया है जो मेरा साथ देता है, अब ये भी मुझसे दूर हो जाएगा तो फिर? अम्मी तुम ही तो कहती थी ये राम और लक्ष्मण की जोड़ी है, लेकिन अब क्या हो गया? अरे मैं कैसे भूल जाऊं, 12वीं में तूने इसी की वजह से तो डुबकी लगाई थी। इस चैप्टर के बाद पप्पन मियाँ की कहानी और भी कॉम्प्लिकेटेड हो गई। अम्मी इलियास को पसंद नहीं करती, इलियास सकीना को पसंद नहीं करता, और सकीना मुझे पसंद करती है या नहीं, ये तो एक बड़ा ही क्वेश्चन मार्क है। और पप्पन मियाँ चाहते हैं सब उनको और सब एक दूसरे को पसंद करें, जो कि नामुमकिन था। इधर पप्पन मियाँ कई कोशिशों में लग गए कि किसी तरह कहीं कोई रास्ता खुले जिससे कि वो सकीना से अपनी बात कर सके, प्यार की गाड़ी को आगे बढ़ा सके। ढूंढने पे तो खुदा भी मिल जाता है। एक दिन शकीना बुक स्टोर पे किताब खरीद रही थी, दूर खड़े पप्पन ने भांप लिया कि अब उनकी कहानी का शायद कुछ होने वाला है। कांति पुराना दोस्त था। कांति की दुकान पे शकीना के जाने के बाद जाते ही बोले कि ए कांति, क्रिकेट की मैगजीन देना जरा। टन की आवाज सुन के कांति थोड़ा चौंक गया और बोला, मियाँ तुम्हें कब से क्रिकेट का शौक हो गया? अपन थोड़ा संभल के बोले, अरे दुकान पे बैठे बैठे टाइम पास नहीं होता, बस थोड़ा सा टाइम पास करने के लिए किताब ले रहा था। अच्छा कांति, एक बात बताओ, ये जो मोहतरमा गई हैं ये क्या मांग रही थी? कांति को जरा सा भी शक नहीं हुआ। अरे यार, समाजशास्त्र की किताब और जगजीत सिंह की गजल की कैसेट मांग रही थी, और जब किताब नहीं मिली तो जगजीत सिंह की 4 कैसेट ही मांग के ले गई। पप्पन के दिमाग में एक आइडिया का बल्ब जला। तुरंत जिगरी यार बंतु को फोन लगाया गया। पुरानी दोस्ती का हवाला दे के डायनेमिक्स की किताब और पुरानी कैसेट मंगवा ली, और ये सारे चीज़ों को एक लिफाफे में पैक करके इंतज़ार में बैठे रहे, कभी तो साइकिल की हवा कम होगी। पर सकीना सचमुच ही हवा भरवाने उसकी दुकान पर आ गई और बोली, देखो मियाँ थोड़ा हवा कम है शायद। पन मियाँ ने साइकिल में हवा भरी और पैसे भी नहीं लिए। साथ के साथ उसने ये भी बोला कि ये किताब और ये कैसेट शायद तुम लेने के लिए चाहो तो इसे रख सकती हो। नहीं, मैं इनके पैसे देने जरूर आऊंगी। उसने एक मुलाकात तो कम से कम पक्की कर दी थी। जल्दबाजी में सकीना की किताब से एक खत गिर गया जिस पे पप्पन की नजर पड़ी। मियाँ सोच रहे थे कि ये प्यार का खत है जिसको सकीना जानबूझ के गिरा के गई है, मगर खत को खोलते ही उनके होश फाख्ता हो गए।
खत उनकी बहन रूबीना ने लिखा था। उस खत को पढ़ते ही अपन मियाँ समझ गए कि उस खत पर सुओं की बूंदें स्याही को इतना ज़्यादा फैला चुकी थी कि उसका दर्द बयां कर रही थी। मैं लिखा था, इल्यास के अब्बू ने हमें चारों तरफ से गुंडों को भेजकर घेर लिया है और यहाँ पर रहना अब सेफ नहीं है। वो लोग हमारे पीछे पड़ गए, हमारे को मार देना चाहते हैं। उन्हें हमारे सारे रिश्तेदारों के पते पता पड़ गए हैं। सकीना, तुम किसी सहेली को जानती हो जहाँ पर हम महफूज रह सके? बस थोड़े ही दिन की बात है, इम्तिहाज ने सारा इंतज़ाम कर लिया है सऊदी जाने का। पप्पन बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट दुकान बंद की और जल्दी से लोकल ट्रेन पकड़ के वो औरंगाबाद के लिए रवाना हो गए। औरंगाबाद से पप्पन का पुराना रिश्ता था, वहाँ पर उनकी खाला और उनके दो बेटे रहते थे। किसी तरह वो औरंगाबाद के लिए रवाना हुए ये कहते हुए कि अम्मी, दो दिन के लिए मैं जा रहा हूँ, थोड़ा सा काम है, जल्दी आ जाऊँगा। औरंगाबाद पहुँच के जल्दी से उन्होंने सबसे पहले रूबीना के घर की ओर रुक किया और उनको सकीना के उस खत के बारे में सब कुछ बताया। शायद पप्पन को आने में थोड़ी सी देर हो गई थी। जोर जोर से दरवाजे पे दस्तक हो रही थी, बार बार बोल रहे थे, खोलो दरवाज़ा जल्दी से वरना हम तुम्हें जिंदा जाने नहीं देंगे यहाँ से। वो इम्तियाज और रूबीना को लेके जल्दी से पीछे के दरवाजे से भागा। जब तक दरवाज़ा खुलता या टूटता वो मोहल्ले के छोर तक भाग चुका था। घर के देसी घी और पहलवानी किए हुए थे तो उनको देखते ही डर लग रहा था कि अगर ये एक हाथ भी मार देंगे तो उठ नहीं पाएंगे। वो जानता था अगर आज रूबीना और इम्तिहास पकड़े गए तो इनका बचना नामुमकिन है। वो उनको भागते भगाते अपनी खाला के घर पे ले गया जिसकी चाबी पायदान के नीचे रखी थी। पायदान के नीचे से चाबी निकाल के जल्दी से दरवाज़ा खोलकर उन्हें छुपा दिया और 3 घंटे तक वो लोग वहीं पर छुपे बैठे रहे। गोरखे उनको ढूंढ रहे थे इधर से उधर, उधर से इधर। बीना की तो जैसे जान हाथ पर रखी थी। अपन ने पानी पिलाया तो जान में जान आई। दहशत के 3 घंटे बाद जब जान में जान आई तो इम्तिहाज ने पूछ ही लिया, तुमको कैसे पता कि ये चाबी पायदान के नीचे रखी थी? तब पप्पन मियाँ ने कहा, ये मेरी खाला का घर है। खाला और मौसा हज पे गए हैं, उनके दो बेटे हैं और चाबी एक है, तो ये चाबी यहाँ पर वो लोग पायदान के नीचे रखते हैं जिससे कि एक दूसरे को उस घर में आने जाने में सुविधा रहे। किसी तरह समझा बुझा कर अपने भाइयों को उन्होंने 2 दिन का एक्सटेंशन रूबीना और इम्तिहास के लिए ले ही लिया। 2 दिन तक पपन सोचता ही रहा कि इन्हें किसी तरह छुपते छुपाते अपने दोस्त के घर में ले जाके छुपा दूं। 2 दिन के बाद उन्हें स्टेशन ले जाके एक रेल के डिब्बे में बिठा दिया। उधर बिठाया ही था कि अचानक से एक मोबाइल पे फोन आ गया। पपन, तू किधर है? अरे चची जान की तबीयत यहाँ बहुत खराब हो रही है, तू जल्दी से आ जा। पपन के पैरों तले जमीन खिसक गई। ऐसे मौके पे ना वो रूबीना और इम्तिहास को छोड़ सकता था और ना ही वो अपनी बीमार अम्मी को। समझ नहीं आ रहा था कि अम्मी को देखे या रूबीना और इम्तिहास को। उधर ट्रेन चलने लगी, सोचने का वक्त नहीं था। पप्पन जल्दी से ट्रेन में सवार होके रूबीना और इम्तिहास के साथ चल दिया। इम्तिहास और रूबीना को थोड़ी सी तसल्ली हुई लेकिन पप्पन को अम्मी की बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी। उधर वो अपने दोस्त के घर इन दोनों को छोड़ के सीधे अपनी अम्मी के पास वापस मिलने चला आया। रेलवे स्टेशन से उतरते ही सीधे वो अस्पताल जा पहुँचा। अम्मी बिस्तर पर बेहाल पड़ी थी, उनकी हालत देख के उसको रोना आ गया। बड़ी देर तक वो अपनी अम्मी के हाथों को अपने हाथ में रखकर बैठा रहा। हाथों में लकीरों से ज़्यादा दरारें पड़ी थी। अम्मी के पास बैठा पप्पन बड़ी देर तक उनकी बंद आंखों के खुलने का इंतज़ार करता रहा। होश में आते ही पप्पन को सामने देखकर अम्मी की जान में जान आई। वो थोड़ा ताकत बटोर के बोली, बेटा तू कहाँ चला गया था? अगर इल्यास नहीं होता तो मैं तो अल्लाह को प्यारी हो गई होती। अम्मी के आंसुओं ने इल्यास के लिए बसी कड़वाहट को धो दिया था। छुट्टन की आंखें भी नम हो गई थी।
खुद को संभालते हुए बोला, अम्मी एक नेक काम करने के लिए गया था, इतना मशरूफ रहा कि तुमको खबर नहीं भेज पाया। अम्मी दवा खा के सो गई तो इलियास को उसके भाई की दी हुई चिट्ठी दी। चिट्ठी पढ़ते ही इलियास ने पप्पन को गले लगा लिया। अगले दिन जब पप्पन ने दुकान खोली तो कुछ देर में सकीना भागते हुए उसके पास आई और बोली कि तुम्हारे पास मेरा कोई खत तो नहीं। उसने धीरे से दो खत निकाले, बोले एक नहीं, मेरे पास दो खत हैं। वो चिट्ठी मैंने अभी पढ़ी भी नहीं थी। और चिट्ठियाँ पढ़ते ही सकीना की नज़र के सामने सारा मांजरा आ गया। वो थोड़ा संजीदा होके बोली, क्यों किया आपने ये सब मेरे लिए? पप्पन मजाकिया अंदाज में बोला, ताकि मेरी दुकान का एक ग्राहक तो परमानेंट हो जाए। दोनों खिलखिला के हंस पड़े। इतने में इलियास भी वहाँ आ गया। उसने सकीना को सलाम किया तो पप्पन चौंक गए। उन्होंने कहा, इलियास? हाँ भाई, अब तो ये हमारी रिश्तेदार हैं। पप्पन की ज़िंदगी में अब दिन बदल गए थे। मम्मी अब से दो कप चाय भेजने लगी और सकीना कंपनी बाग में बैठ के पप्पन के दिल का पंचर बनाने लगी। बस यही थी एक छोटी सी कहानी।